सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू फैंटम स्टूडियोज और वेलकम टू अनदर कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो। तो काफ़ी सारा टाइम बाद आ रही है कॉल ऑफ ड्यूटी की वीडियो, मतलब वीडियो ही बहुत ज़्यादा टाइम बाद आ रही है क्योंकि लाइव स्ट्रीम में लगा हुआ था। तो एक रैंडम बंदा का ये कॉड स्पिरिट से भी फैंटम गेमिंग का दोस्त है, उनकी टीम गई है और इसने मेरे को रैंडमली चैलेंज कर रहा था। तो तुम्हें पता है बहुत टाइम से कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेली थी और मैं एक्सट्रीम नूब हो गया था, तो मैंने इसके बाद 1v1 नहीं किया। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने किल हाउस में मैच को रखा और उसने मेरे को आके बहुत गंदा मारा अपनी डबल डीगल से, डेजर्ट ईगल से अगर किसी को नहीं बता दो। तो क्लोज कॉम्बैट में से यार लड़ना बहुत मुश्किल था, तो मैं समझ चुका हूँ कौन सी गन इस सीज़न के ठीक है कौन सी नहीं। तो यार यहाँ पर भी मेरे से कुछ नहीं हुआ, उसने लगातार 2 किल ले लिया और भाई मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब, मैंने कहा हारना नहीं है ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मैं अपना यहाँ से घूमा, मैंने लेफ्ट राइट देखा कि कहीं मेरे को वहाँ दिखा येलो हाउस में, तो मैंने यहाँ फायरिंग स्टार्ट करी लेकिन नहीं मरा भाई, ये छुप गया। मैं रीलोड करा, वापस आया और मैंने छुप करा। इसने फिर से पूछा था आप इतना बनते क्यों, मैंने कहा यार मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा, जो गॉड ऑफ कार्ड हूँ ना मैं, तुम मानते हो ना, अब कोई फैंटम गेमिंग वाले फैन जाएंगे। तो यार मैंने यहाँ ना लॉन्ग शॉट लिया और कर दिया टाइप। अब मैं आराम से कवर लेके जा रहा था, अगर वहाँ से जाता मेरे को नहीं पता कि स्नाइपिंग कितनी ओपी है क्योंकि ये स्कोप खोल के मारता है, स्कोप खोल के बैठा रहता है और फिर ठूकता है। तो मैंने कहा ऐसी की तैसी हो जाएगी, मतलब मेरे जो स्किल्स थे मूवमेंट के वो ख़राब नहीं हुए थे बल्कि वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, मेरे को नहीं पता कैसे लेकिन अपने आप ही हो गया सब। यहाँ देखो यार मैंने लिटरली अंधाधुन फायरिंग करी ऐसी स्क्रीन में घुमा के, और यहाँ ये भी इसने भी रीलोड किया, मैंने भी किया लेकिन मैं इसको ठोक दिया, तो हमारे पास लीड आ गई। और यार ये वीडियो बहुत छोटी है मेरे को पता है, क्योंकि देख लो बस आराम से देखना, कोई स्किप नहीं करेगा। स्क्वाड स्पिरिट्स पर मैं तेरे साथ चैलेंज भी नहीं करूँगा बाद में, तो क्योंकि छोड़ के भागे और मैं जो मैच बंदे छोड़ देते हैं ना उसे और ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, अनलेस इट्स फैंटम गेमिंग वो। तो यार मैंने यहाँ मॉलोटॉव मारी, इतना कुछ करा यार, मेरी जो ICR थी इसके अंदर एमओ ही ख़त्म हो गया। मैंने कंक्यूशन मारा था अपने लिए ऐसी, ये आया इसको लेकिन लगा वो भी नहीं, मैंने अपनी एक्स निकाली इसको मारने की कोशिश करी अपनी कुल्हाड़ी से और मारा ये। फिर मैंने इसकी DRH उठा के देखी, इसने भी बिल्कुल मेरी तरह गोल्ड DRH का रखी है, नो स्टॉक और रेंजर 4 ग्रिप और टैक्टिकल स्कोप लगा रखी है, टैक्टिकल स्कोप कह रहा हूँ वो OWC टैक्टिकल वाली लेज़र लगा रखी है भाई। मतलब मेरी DRH बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है पता नहीं कैसे, गोल्ड DRH ओपी यार ओपी, मज़ा आ गया। और यार कॉर्ड स्पिरिट से मेरी कोई ऐसी लड़ाई वड़ाई नहीं है, तो बल्कि उसको शाउट आउट दे रहा हूँ मैं तो, और हो सकता है तो मैं पेंट कॉमेंट्स में उसके चैनल का लिंक भी मिल जाए तो उसको जाके सब्सक्राइब भी वैसे कर लेना। फिर मैंने इसको लॉन्ग रेंज में यहाँ पर थोड़ा सा मारा मिड में, तो इसकी DRH इसको शायद इतनी चलानी ना होती हो लेकिन ये मेरा एग्जैक्टली मेरे जैसा डिज़ाइन ऑलमोस्ट, अटैचमेंट बस मेरे वाली नहीं है लेकिन डिज़ाइन मेरे वाला है, तो मेरे लिए बड़ा ईजी हो गया इसको मारना। और फिर तो बस मैंने इसको हरा और भाई ये गेम लीव कर गया यार, बड़े मजा आए, एक मिनट मेरे को शौक लगा। लेकिन यार अगर तुम स्कोर देखोगे ऐसी तैसी कर रखी है मैंने लिटरली, तो अभी भी नूब नहीं हूँ मैं। और यार गॉड ऑफ गॉड इज़ बैक अगेन, तो 3-4 लोग हैं जिनसे अभी मेरे को दिक्कत है वो है, छोड़ो यार नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।